तो मित्रों आज हम 4-5 दिन के बाद कुछ मतलब बाहर का खाएंगे कहीं, लेकिन लगेगा ना बाहर का खा रहा है फास्ट फूड। अभी ने ना आस्था से लिया कोचिंग, शट अप है ना, इंडिया में चल रही है क्योंकि मैं अभी आया हूँ ऊपर, तुम्हारी गर्दन काट दूंगी ऊपर जा रहे हो ना गर्मी में मरवाने के लिए। हे गाइस वेलकम बैक टू NRSS चैनल। सो गाइस यूपी में काफी 1 वीक से अप्रॉक्स लॉकडाउन लगा हुआ था, हम लोगों का मन कर रहा था कुछ बाहर मतलब कुछ फास्ट फूड खाने का, तो भाभी बनाई थी गोलगप्पे और हमें पता नहीं था और लक्की भैया को भी नहीं पता, तो वो बाहर बैठा है बच्चों को देख रहा है, मैं देखती हूँ उसका बाहर जाकर रिएक्शन क्या होता है। चलो चलते लक्की भैया, आपको पता है भाभी टिक्किया बना रही है, टिक्किया बना रही है भाभी, गोलगप्पे बना रही है भाभी, कितने टाइम से निकल क्यों बन मीट तो हुई। तो गाइस जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था पिछले ब्लॉग में, मैं भोला के साथ और सूरज के साथ था, घर मेरा बाहर का खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, लेकिन यार जैसे मैं खा ही नहीं पा रहा था, तो मैंने यार मतलब किसी से बोला तो नहीं, लेकिन भाभी ने सोचा यार यहाँ कुछ बनाते हैं, तो अभी चलते हैं देखते हैं क्या बना रही हैं वो। वैसे आस्था बोल रही है शायद टिक्की बना रही हैं, पता से होते हैं, तो अभी देखते हैं क्या सीन है, फिर चलता हूँ अभी नीचे। तो फिलहाल यार अभी किचन की तरफ चलते हैं। क्या है पता नहीं, इतनी छोटी सी कढ़ाई तो इतनी छोटी सी कढ़ाई क्यों ली है? अरे छोटी हो तो बड़ी हो, क्यों ना बता दूँ करो। आज हम 4-5 दिन के बाद कुछ मतलब बाहर का खाएंगे, खाएंगे तो घर का ही, लेकिन लगेगा ना बाहर का खा रहा है फास्ट फूड, देखते हैं स्टॉल और लगवा दूंगा बाहर तो लगेगा हाँ बाहर का खा रहा है। क्या भाभी कैसा सीन रहेगा? बहुत बढ़िया, बस दुआ करो जो टिकिया बन जाए, फूल जाए, दिमाग खराब होता है, बनती नहीं है तो फूलती नहीं है, एक गुस्सा मारती है। आज वैसे गर्मी बहुत है, फुल पावर लगा दिया, लेकिन भाई साहब आटा नहीं लग रहा है, बन जाए तो मुझे बुला लेना, मैं जा रहा हूँ अभी ना टीवी देखने, तो वहाँ चीजें पड़ेगी जे, तो मैं ही खाने के लिए जा रहा है, गर्मी कितनी हो रही है, तो उसमें हेल्प भी करानी है, आलू शिमला आलू ले जा, हाँ ठीक है, अभी तो हुए भी नहीं है, देखना हो जाएंगे तभी तो, लेकिन इधर गर्मी लगा दी है ना इसकी, आ रही है गरम गरम अभी कितना टाइम लग जाएगा। वैसे आपको कुछ और बनाना था जैसे पिज्जा या वो बर्गर, कितना टाइम लग जाएगा? 7-10 तक तैयार नहीं है, मतलब 10 मिनट ऐसे पहले आटे को लगाओगे फिर उसके बाद पानी डालो उसमें, बहुत गंदा भाई साहब, 10 मिनट में तो अभी ये वो होगा, फिर उसके बाद ये क्या बोलते हैं बनाएंगे, एक घंटा तो लग जाएगा, तो अभी चलते हैं बाहर, उसके बाद फिर वापस मिलते हैं। ये बनाई थी पहले देखो है ना, अब देखो अभी ये अच्छी बनी है, लेकिन आपने बनाई आस्था ने पूरी क्या थोड़ा सा उसको पावर लगा के मैच कर देंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कॉन्टेक्ट उनको पूरा मिल जाएगा, क्यों नहीं ये पानी अब बनाएंगे। अब मैं लगता हूँ दूध का दूध, पानी का पानी, क्या पानी का दूध, भाभी ने ना आस्था से लिया कोचिंग,
शट अप है ना। तो अभी देखते हैं यार आलू हुए या नहीं हुए, पहले आलू को खून करके देखते हैं। तो मित्रों अभी ना हम यहाँ पे खड़े खड़े काफी टाइम हो चुका है, अभी इतनी टिक्की सीखी है, अभी और हो जाएंगी थोड़ी बहुत देर में। तो अभी ना यार यहाँ पे ज्यादा बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, तो मैं जा रहा हूँ ऊपर और ठंडी हवा चल रही है क्योंकि मैं अभी आया हूँ। तुम्हारी गर्दन काट दूंगी ऊपर जा रहे हो ना गर्मी मरवाने के लिए। तो अभी मैं छत पे जा रहा हूँ और फिर आता हूँ वापस और देखते हैं यार। अच्छा मतलब व्यू भी अच्छा है और हवा भी बहुत सही चल रही है, तो आता हूँ अभी है ना। बाय, पानी दे जा रहा हूँ ना, ठंडा गरम, ठंडा या गरम। तो मित्रों अभी वैसे यार ना मौसम अच्छा हो रहा है, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है, लेकिन अंधेरा हो रखा है। ये आवाज आ रही है ना कंप्रेसर की, एसी की। ये गाइस अभी हल्की हल्की बूंद सी आ रही है, ऐसा लगता है मतलब ऐसा लग रहा है बारिश आएगी क्या, लेकिन बारिश आने नहीं वाली है, उसके लिए आएगी यहाँ तक है। देखो अच्छा लग रहा है ना, एकदम शानदार हवा चल रही है एकदम यार, क्या बताऊँ, लफ्ज ही नहीं है बोलने के लिए मेरे पास। आपको देख रहे होंगे मेरे बाल भी हिल रहे हैं ना, अच्छी हवा चल रही है एकदम। सूरज है नहीं, वो कहीं पे गए हुए हैं, मैं उनके साथ ही बैठता यार इस समय। ठीक है नहीं नहीं क्या किए थे, बादल गरज रहा है अभी ऊपर, अब तो नहीं अभी गरज रहा था, उस वाले घर पे बंदर बैठा हुआ है सामने। वैसे यार माइंड मत करना प्लीज, मतलब क्योंकि मुझे लगता है ना क्लियरिटी थोड़ी कम आ रही होगी, क्योंकि यार इसमें फ्लैश नहीं है मतलब लाइट नहीं जल सकती, तो कोई बात नहीं यार चलते हैं भी नीचे देखते हैं क्या सीन है। मित्रों टिक्की तैयार हो चुकी है और प्लस हमारे पास एक और हलवाई आ चुका है, दिखाऊं? ये देखो काम से हलवाई ये कभी और काम क्या है, ये कुछ भी नहीं करती, कुछ भी करती हूँ लेकिन हाँ खाना है आज, खाने के लिए मिलना है। तो ऐसे आ गई किचन में, देखो अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही होगी, देखना देखो। वैसे गाइस एक बात बताऊं, हमने ना ये पहले घर पे ही बनाई थी, मतलब पहले वाले लॉकडाउन में हम लोगों ने ना घर पे ये सब चीज बनाई थी, और अब लेकिन कुछ चेंज हो चुका है बताऊं। इस समय ना भाभी आ चुकी है, उस समय भाभी नहीं थी, उस समय हम लोग ही बनाते थे। अभी भैया की ना दिसंबर में ही शादी हुई है, तो ये हमारी छोटी भाभी है ना। तो अभी टिक्की बन चुकी है और तो अभी पानी जो तैयार हो चुका है, ये आस्था बना रही है। तो आ चुका है अभी खाने का टाइम। वैसे पता है ये सब लोग ना टिक्की खाने के बाद शायद मेरे ख्याल से खाना नहीं खाएंगे, लेकिन मैं खाऊंगा। आपने शायद बर्थडे वाले वीडियो में देखा भी होगा यार, पता नहीं क्यों मुझे खाना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मैं कभी मोटा नहीं होता, ये बड़ी चीजें होती है, ये मैं कभी मोटा नहीं होता, कितना भी खा लूंगा पता नहीं क्यों। सो गाइस मैं जा रही हूं किचन में, देखते हैं क्या-क्या बना है, क्या नहीं बन गया। टिक्किया बन गई है, ये पिट्ठी भी बन गई, ये दही वाली भी बनाओगे क्या? ये दही वाली टिक्किया के लिए और ये वाटर वाटर। चलो अब हम हुए रेडी के लिए, टिक्किया खाएंगे, हटो सब।